कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए घर पर रहने के लिए की अपील। जी हां, क्षेत्र की सीमाओं से लगे गंज बासोदा सिरोंज लटेरी में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कुरवाई अनुविभागीय अधिकारी गोपाल सिंह वर्मा ने क्षेत्र की जनता से आग्रह किया है कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें। इस संक्रमण से बचने का एक ही उपाय है कि कुछ दिन घर पर आराम किया जाए। वहीं एसडीओपी प्रशांत सिंह सुमन द्वारा भी जनता से आग्रह किया गया है कि अति महत्वपूर्ण कार्य होने पर ही घर से निकलें और सोशल डिस्टेंस का पालन करें, अन्यथा हमें आपकी जान की रक्षा के लिए आपके साथ सख्ती करनी पड़ेगी। कुरवाई से विराट ठाकुर की एक रिपोर्ट। सिरोंज और बासोदा में कोरोना वायरस के मरीजों की पुष्टि हुई है, इसको देखते हुए कलेक्टर साहब ने विशेष डीसी आयोजित करके सख्त निर्देश दिए गए हैं और उनका पालन हम यहाँ कराया जाना सुनिश्चित कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले तो मैं जनता से ही अपील करूँगा कि हिदायतें जितनी दी जा रही हैं और प्रशासन जितनी सख्ती कर रहा है, जनता को अपना आत्मावलोकन करके खुद को बचाने के लिए दिए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए। सबसे पहले अपने घरों से ना निकलें, घरों में ही रहें, क्योंकि आप सब्जी आपके द्वार पर ठेले वालों को अनुमति दे दी गई है, ठेले वाला आपकी गली तक आता है, द्वार तक आता है, वहीं से लीजिए। किराने का जो सामान है, किराने का सामान आपको किराने की दुकानें चिन्हित कर दी गई है, आप उसे फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके उसे अपना सामान मंगा सकते हैं। इसके अलावा दूध के लिए कोई समय निश्चित कर दिया गया है। इसके अलावा कोई अलावा बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर भी मैं देखता हूँ कि कुछ लोग अनायास कुछ मोटरसाइकिल से खेत का बहाना करके या और कोई बहाना करके अनावश्यक निकलते हैं, अस्पताल जाने का बहाना, दवाई का बहाना। ये आप अपने आप के साथ ही धोखा कर रहे हो। मैं सख्त लहजे में कह रहा हूँ कि ऐसे व्यक्ति ना खुद केवल खुद के दुश्मन हैं, वो अपने परिवार के, अपने पड़ोस के और अपने नगर के भी दुश्मन हैं। उनसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि कम से कम बाहर निकले, बहुत अनिवार्य रूप हो तो ही बाहर निकले, अन्यथा शासन प्रशासन की तरह से लॉकडाउन है, हम सख्त कार्रवाइयाँ करना शुरू कर रहे हैं, मुकदमा दर्ज करेंगे। कोई मास्क नहीं लगाएगा उस पर मुकदमा दर्ज करेंगे, कोई अनावश्यक बाहर घूमता पाया गया उस पर मुकदमा दर्ज कर। शासन और प्रशासन के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए पुलिस सख्ती से कार्रवाई कर रही है। बहुत सारे लोग बिना किसी कारण के बाइक से घूम रहे हैं तो उनके विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की कार्रवाई की जा रही है। यदि अगर कोई व्यक्ति बिना कारण घूमते हुए पाया जाता है तो 188 की कार्रवाई हमारे द्वारा की जाएगी, वाहन जब्ती की कार्रवाई भी की जाएगी और आवश्यकता पड़ती है तो हम अन्य सख्त कार्रवाई भी लोगों के विरुद्ध करेंगे, क्योंकि हमारे द्वारा उनसे विनम्र अपील की जा रही है, बड़े स्तर पर अपील की जा रही है। ये जो बीमारी है कोरोना बीमारी, इससे एक व्यक्ति की लापरवाही से बहुत सारे व्यक्तियों की जान तक जा सकती है, इसके लिए हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। जैसे शासन और प्रशासन के निर्देश हमें प्राप्त होंगे, हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे।